एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरा ज़िला का नाम है गाजीपुर, गांव का नाम है मनिया, मेरा नाम है पिंटू और मैं यहाँ प्रेजेंट टाइम में मैं चेन्नई में हूँ, जेंट्स ब्यूटी पार्लर में काम कर रहा हूँ और अच्छा से कर रहा हूँ, चल रहा है काम। सर आइए बैठिए। हाँ सर, थैंक यू सर। सर बाजू से आप छोटा कर लीजिए और ऊपर से थोड़ा कैची से। मैं एक शादीशुदा हूँ, फैमिली मैन, घर में हैं मम्मी, एक भाई, एक बहन और मेरे भी दो बच्चे हैं। वही सर, तो आपका बचपन कैसा था आपके गांव में? बचपन सर एक नॉर्मल ही था लेकिन बहुत कष्ट भी था उसमें। अच्छा, छोटे थे जब हम, इतने छोटे थे कि 6-7 साल का थे उस टाइम में। वो क्या है कि थोड़ा मम्मी डेट कर गई, इसकी वजह से दो छोटे भाई थे, बाप पिता श्री थोड़ा बाहर काम करते थे। स्कूल में मन था, इंटरेस्ट बहुत रहता था मुझे, लेकिन मैं बहुत प्रयास किया पढ़ने के लिए लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए जो मैं पढ़ नहीं पाया। बिजनेस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था तो बिजनेस करते करते उसमें भी हम लोगों को लॉस हो गया। तो फिर हमने, मैं और मेरा दोस्त, एक प्लान किया, क्यों ना हम सैलून का काम, लोग कहते हैं बहुत अच्छा रहता है और सैलून में बढ़िया रहता है, तो क्यों ना हम काम सैलून का सीख लें। मेरे बुआ का लड़के लोग चेन्नई में थे तो चेन्नई से वो लोग फ़ोन किया कि भाई आजा चेन्नई में, अच्छा है करके। और चेन्नई में मेरा पिताश्री भी थे। 2009 में मैं चेन्नई में एंट्री किया, थोड़ा ब्यूटीशियन लाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट था, सैलून लाइन में इसका काम भी मुझे पता था। फिर मैंने ड्यूटी जाने के टाइम में एक सैलून देखा, अच्छा था सैलून, मस्त था, उसमें बाहर से देखने में भी लुक बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। यहाँ थोड़ा मुझे डर लग रहा था, यहाँ कोई अच्छा बात भी बोलता था तो मुझे लगता था कि इन लोगों ने मेरे बारे में कुछ गलत बातें कर रहे हैं और मुझे डर सा लगता था, इसीलिए मैं वहाँ से थोड़ा दूर ही हट जाता था। लेकिन एक दिन वो सैलून वाले ने डेली वो शीशे के अंदर से अपनी दुकान से देखते थे और मैं ये नहीं देखता था कि वो सैलून में से वो मुझे देख रहे हैं। एक दिन उसका ओनर बाहर आया दुकान का, उसी टाइम में मैं उसके दुकान के सामने देखने लगा तो उसने बोला, भाई इधर आओ, आपको कटिंग कराना है क्या? तो मैंने बोला, नहीं सर मुझे कटिंग नहीं कराना है, एक्चुअली मैं ये काम थोड़ा दिल्ली में ट्रेनिंग ले चुका हूँ और सोचता था कि कभी जाके बातें करूं, लेकिन मैं डर का मारे बात नहीं करता था क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था। तो उन्होंने बोले, नहीं मैं हिंदी मुझे पता है और आप खुल के बताइए आपको कहाँ से ट्रेनिंग किए हैं। तो मैंने बताया उनको कि दिल्ली से मैं ट्रेनिंग किया हूँ। तो उन्होंने बोला, पूरा अच्छा से काम करते हैं? तो नहीं भाई सर, मैं पूरा नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ। तो उन्होंने बोले, ठीक है ऐसा करो भाई, आप आओ पहले चाय पियो। चाय पिलाया उन्होंने, चाय पिलाने के बाद बोले कि मेरा मूछे को थोड़ा लेवल करना है। तो मैंने उनका मूछे को लेवल किया, लेवल करके बोला, सर कैसा है? तो उन्होंने देखे, देख करके शीशे में बोले, भाई मूछे तो मस्त बनाया है। तो फिर बोले उन्होंने कि कब ड्यूटी करना चाहते हैं? तो मैंने बोला, सर काम मिल जाएगा तो मैं कभी भी कर लूँगा। तो फिर मैं ये बात बोल करके, उन्होंने बोले कि आप अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैंने उनको अपना मोबाइल नंबर दे दी। 2014 में मैं ये पार्लर में ज्वाइन किया। अच्छा। और 2014 से आज भी मैं उसी पार्लर में हूँ। अच्छा। एक मैंने अपना अच्छा रिकॉर्ड बनाया उनके दुकान में। आपको मैंने फिनिशिंग दे दिया है। अच्छा। अब देखिए आपको कैसा है। सर बढ़िया काटा है सर। बढ़िया है। फिर मिलेंगे आपसे। बढ़िया काटा है आपने, बहुत साफ काम है आपका सर।